भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सौजन्य से SBS हॉस्पिटल एवं साईं बाबा नेत्रालय हॉस्पिटल द्वारा भिलाई के खुर्सीपार स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर के प्रारंभ में सर्वप्रथम हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह छोटू ने शुगर व BP की जाँच कराई। फिर धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग अपने स्वास्थ्य जाँच कराने पहुँचे। वहीं इस आयोजन को लेकर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ड्राइवर हेल्पर सहित उस वार्ड में आम लोग भी शिविर का लाभ ले सके। इस स्वास्थ्य शिविर में यूनियन के संरक्षक अचल भाटिया, जिनका आज जन्मदिन भी है, कार्यक्रम स्थल पहुंच सभी ने स्वास्थ्य शिविर के सामने केक काटा व स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। अचल भाटिया ने अपने वक्तव्य में कहा कि ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा लगातार कई ऐसे जनहित व समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े भिलाई के लोगों को लाभ मिल सके। स्वास्थ्य शिविर में अगर डॉक्टरों की टीम किसी मरीज की जाँच उपरांत हॉस्पिटल में इलाज कराने की बात कहते हैं तो तत्काल उन्हें SBS अस्पताल के द्वारा इलाज दिया जाएगा। हमारी एसोसिएशन के द्वारा अभी फिलहाल तो हेल्थ चेकअप लगाया जा रहा है और उसके साथ साथ हमने एक निकाला हुआ है अपनी हर ड्राइवर क्लीनर हेल्पर लिफ्टरों की बेटियों की शादी के लिए भी जो 25,000 का अनुदान हम दे रहे हैं हमारी यूनियन की तरफ से। और हर संडे, मतलब हर महीने के किसी भी एक संडे में हम लोग हेल्थ चेकअप लगाते हैं और अगर किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम निकलती है तो उसको हॉस्पिटल में उसका इलाज भी कराया जाता है और अगर छोटे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता तो उसको एम्स भी रिफ़र कराया जाता है। ऐसा हम लोग कर रहे हैं प्रयास अपनी तरफ से। लोग तलवार के साथ केक मनाते, बर्थडे मनाते केक काटकर, आज आपने कैंप लगाकर एक बर्थडे मनाया। आज हमारे संरक्षक महोदय अचलजीत सिंह भाटिया जी का जन्मदिन है, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने हेल्थ चेकअप कैंप इसलिए आज लास्ट संडे को लगाया है क्योंकि उनका बर्थडे है, उसमें बर्थडे को स्पेशल बनाना था हमें और लोगों की सेवा भी करनी थी तो दोनों काम हो जाए। जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, जो क्लीनर भाई हैं और ये वार्डवासी हैं जहाँ हमारा यूनियन का ऑफिस है, उनकी मदद के लिए कैंप लगा है और हम लोग पूर्व में भी दो कैंप शायद लगा चुके हैं, दो कैंप पूर्व में भी लग गए हैं और ये हर महीने निरंतर आगे में रहेगा कि लोगों को हमारी तरफ से जो भी मदद हो सके हम अपनी यूनियन की तरफ से करते रहेंगे। और क्या होता है कि जैसे हमारे ड्राइवर भाई हैं, क्लीनर भाई हैं, सेल के अंदर जाते हैं, सेल में बहुत तरीके का पॉल्यूशन है अंदर, वो पॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो बाहर में कम रहता है, फैक्ट्री के अंदर में ज़्यादा रहता है। धूल मिट्टी, लोहे के फाइंस वगैरह सब दुनियादार की चीज़ें उनके अंदर जाती हैं, उसके कारण उनका स्वास्थ्य बहुत तरीक़ों से ख़राब होता है। कई किसी की आंख में लोहे का फाइंस चला गया, आंख में दिक्कत होती है कईयों को फेफड़े में दिक्कत होती है। तो वो उसके सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाया कि हमारी गाड़ियाँ चलाते वक्त जो ड्राइवर भाई बीमार पड़ते हैं या उसकी वजह से जो उनको तकलीफ़ें होती हैं वो सारी तकलीफ़ों का हम लोग निवारण कर सकें, किसी भी तरीके से उनकी मदद कर सकें। रेड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।